असलम लेडीज़ एंड जेंटलमैन आज का तीसरा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर्स का पाकिस्तान अफेयर्स का पहला लेक्चर था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया मुस्लिम रूल केम इन इंडिया इट रीच्ड इट्स जिनथ एंड देन इट डिक्लाइंड और फिर सेकेंड लेक्चर हमने देखा कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल और इस्लामिक रूल इन इंडिया अब उसके बाद हमने देखना है जब डिक्लाइन आ गया पॉलिटिकल डिक्लाइन जब आया तो उसके साथ ही मुसलमानों की मॉरल डिजनरेशन भी स्टार्ट हो गई विद पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑलवेज़ इट है सिविलाइजेशन मॉरली फॉल्स डाउन एंड डिक्लाइन आई मीन मॉरल डिक्लाइन ऑलवेज इज कपल्ड विद पोलिटिकल डिक्लाइन तो मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है मुसलमानों का पॉलिटिकल के साथ साथ मॉरल डिक्लाइन भी हो जाता है अब मॉरल डिक्लाइन का क्या मतलब है मॉरल डिक्लाइन का मतलब है कि अपनी वैल्यूज़ को वो भूलते जाती हैं और उनकी वैल्यूज़ इस्लामिक कल्चर था इस्लामिक कल्चर से दूर होते गए और दूर होने का मतलब ये है कि उनकी प्रैक्टिस एमप्योर होनी शुरू हो गई देअ प्रैक्टिस देयर इस्लामिक प्रै प्रैक्टिस बिकेम हिंदू ट्रेडिशंस दे वो फॉगेटिंग वट वॉज ई प्योर इस्लामिक प्रैक्टिस और कहाँ पर हिंदू ट्रेडिशन्स की मिलावट आ गई है तो एक तो ये करप्शन ऑफ द कल्चर था दूसरे नंबर पर उनके अपने रैंक्स में डिविजन्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जब पोलिटिकल डिक्लाइन आता है तो उसके साथ इकनॉमिक डिक्लाइन भी आता है और इकनॉमिक डिक्लाइन के साथ सोशल स्टेटस भी नीचे चले जाते हैं और उसके बाद फिर आपस में लड़ाइयाँ भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो मुसलमानों में हमने देखा उस वक़्त की मुस्लिम सोसाइटीज़ में आपस में बहुत सारी सेक्टेरियन डिवीजन्स थी सुन्नी सेक्टेरियन डिवीज़न वहादत उलमास वर्सेस सूफीस थे फिर सूफियों में भी डिवीजन्स थी वहादतल वाहदतल वाहदत वर्सेस वाहदतलशहूदी फिर वहाबी सुन्नी ये ब्रेलवी वर्सेस वहाबी ये सारी डिविजन्स मुसलमानों में उस वक्त आ चुकी थी तो आ, अगर हम देखें हिंदुस्तान का ये मैप मैंने बनाया आप लोगों के लिए तो हम देखें कि उस वक़्त यानी एटीनथ सेंचुरी का हिंदुस्तान कैसा था एटीनथ सेंचुरी का हिंदुस्तान कैसा था एटीन सेंचुरी जब भी मैं बोलूं तो इसका मतलब है सेवनटीन हंड्रेड से लेकर सेवनटीन हंड्रेड नाइन यानी सेवनटीन हंड्रेड ख़त्म हुआ तो उसके बाद स्टार्ट होता है एटीनथ सेंचुरी तो एटीनथ सेंचुरी हिंदुस्तान कैसा था यहाँ इसके करीब करीब मुस्लिम्स तो थे सेंट्रल इंडिया में मुस्लिम तो थे मुगल्स तो थे लेकिन उनकी पावर्स वीक होनी शुरू हो गई ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और इधर से ब्रिटिश आगे की तरफ़ आना शुरू हो गए सत्रह जो बैटल ऑफ पलासी थी बैटल ऑफ पलासी उसमें ब्रिटिश ने जो ये बंगाल का इलाका फतह किया अंडर रॉबर्ट क्लाइव वो एक टर्निंग पॉइंट था आ, विद द एडवांसमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया ना सिर्फ ब्रिटिश ने यहाँ कैलकटा में फ्रेंच को शिकस्त दी बल्कि उसके साथ साथ नवाब सिराजुद्दौला से, से बंगाल भी हथिया लिया और आपको मशहूर कैरेक्टर यहाँ पे पता होगा मीर जाफर की मदद से जो कि उस वक्त ट्रेटर का, का काम लिया गया उससे सत्रह सौ की इसके बाद ये बहुत बड़ी इट बिकेम लॉन्चिंग पैड फॉर द ब्रिटिश टू स्टार्ट नेक्सिंग इंडिया उसके बाद आपको पता है कि यहाँ बिहार और दूसरे इलाकों को बैटल ऑफ बुक्सर एक हुई थी सिक्सटीन आई थिंक सिक्सटीन सेवेंटी फोर इफ़ आई एम नॉट फॉगेटिंग बैटल ऑफ बुकसर एक हुई थी आ, इसका मतलब सिंपल ये है अगर आप ये सारी बैटल्स याद नहीं रखना चाहते इस तरफ को हिंद जो ब्रिटिश थे वो प्रेशर डाल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को नेक्स कर रहे थे दिल्ली के करीब जाते जा रहे थे नीचे से मराठास प्रेशर डाल रहे थे और वो भी दिल्ली के बिल्कुल करीब करीब तो एक वक्त आ चुके थे इस तरफ़ से सिख आहिस्ता आहिस्ता पंजाब और कश्मीर को लेकर तो दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ तक पहुंच रहे थे और मुसलमानों का जो रूल था वो शरिंग रहा था मुस्लिम्स वो फेसिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स एनिमीज आई मीन सेवेंटी थ्री एनिमीज वो अगेंस्ट वो टू मुस्लिम्स अच्छा चले अब ये पोलिटिकल राइवल्स थे मुसलमानों के उस वक्त के हिंदुस्तान में तो पोलिटिकल डिक्लाइन तो उस वक्त मुसलमानों का जारी था जिसके बारे में हमने जिक्र किया पिछले लेक्चर में लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों का कॉन्फिडेंस भी लूज होना शुरू हो गया था और उस कॉन्फिडेंस को लेकर उनमें जो कॉन्फिडेंस का लूज़ होने को लेकर उनमें मॉरल डिजनरेशन भी आ गई थी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए एटीन सेंचुरी का इंडिया क्या था इन फाइटिंग हिंदुस्तान में भी और मुसलमानों के दरमियान में भी मुसलमानों के डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज बन चुकी हुई थी मुख्तलिफ प्रिंस रूल कर रहे कर रहे थे मुख्तलिफ़ अपने अपने प्रोविंस में और अपने अपने एरियाज में और नवाब्स थे और वो देर बिजी इन फाइटिंग दूसरी तरफ मुसलमानों मराठास जो कि हिंदू थे फिर सिख्स और फिर ब्रिटिश ऑल ऑफ दम देर बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट टीचर थे बट द ब्रिटिश द्रटिश वनिपुलेटिंग ऑल दिज फाइट्स इन देयर ओन फेवर ओके तो इन फाइटिंग थी उसके साथ साथ वीक सेंट्रल रूल सेंट्रल रूल जो मुसलमानों का था वीक होता जा रहा था ब्रिटिश एंड सिक्स वो पुटिंग प्रेशर ऑन 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 द द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स इन द मुस्लिम्स ओके ओके ये तो सारी चीज़ें आपकी हो गई ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस वक्त की और इसके साथ मॉरल जनरेशन जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान देती थी मुसलमानों की वो थी इस्लामिक प्रैक्टिस फॉर बिकमिंग करप्ट सेक्टेरियन डिविजन्स अभी मैंने आपसे बात की है स्पिरिट ऑफ जिहाद सेप्ट जिहाद की स्पिरिट जो कि सेक्रीफाइस की स्पिरिट होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी सोशियो इकोनॉमिक डिक्लाइन भी इसके साथ था ये सिचुएशन थी उस वक्त के हिंदुस्तान की एटीन सेंचुरी में अब जाहिर है कि इस तरह की सिचुएशन हो तो यू नीड समी टू कम एंड लीड द नेशन टू दाइट पाथ एंड देर वॉज द नीड ऑफ दैट पर्सन द रिफॉर्मर रिफॉमर्स वो होते हैं जो सोसाइटी को दोबारा से कॉन्फिडेंस को बेहाल बहा, करते हैं दिअ मेन एम इज़ टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द सोसाइटी दिया मेन एम इज़ टू लीड टेम टू वर्ड्स पोलिटिकल ग्लोरी अगेन और उसके साथ साथ उनकी जो मॉरल जो उनकी डीट्स हैं उनको बेहतर बनाती हैं तो वो रिफ़ॉमर्स होते हैं तो हमारे रिफ़ॉमर्स का वो दौर था कुछ जो uh, हिस्टोरियंस हैं वो ये लिखते हैं कि हैड देयर नॉट बिन एनी रिफॉर्म एनी ग्रेट रिफॉर्म द सोसाइटी दैन इट वॉज फेयर दैट इस्लाम कुड हैव वाइप्ड आउट द फेस ऑफ इंडिया द वे इट डेड इन स्पेन स्पेन जैसे हालात हो जाने थे हमारे मुसलमान तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं यहाँ से तो देयर केम मैन और आ, वो आदमी 1703 में पैदा हुआ घर वालों ने उसका नाम कुतुबुद्दीन रखा लेकिन उस उनके कामों की वजह से उनको टाइटल दिया गया शाह वलीउल्लाह का द किंग ऑफ ऑल दी वलीज ऑफ दैट सेंचुरी शाह वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम मदरसा रहीमिया में हासिल की मदरसा रहीमिया जो है उस वक़्त दिल्ली में था जो कि उनके फ़ादर रहीम मौलाना रहीम ने बनाया था अब मौलाना औरंगज़ेब आलमगीर के बड़े ख़ास आदमी थे और उनके साथ मिल के उन्होंने फ़तावा आलमगीरिया भी लिखी अब इतनी बड़ी वो फैमिली थी और उनके घर में ये बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम कुतुबुद्दीन रखा अपने ही मदरसे में अर्ली एजुकेशन हासिल की और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वेंट तो मक्का अब उस ज़माने में जो रिलीजियस फिगर्स थे उनके लिए हायर एजुकेशन मदरसा में होती थी जो कि उस वक़्त गढ़ था क़ुरान और हदीस का तो शाह वली ने वहाँ पे हायर एजुकेशन हासिल की एंड ही गॉट अ मैंट इन फॉर्म ऑफ अ टीचर और उनका नाम था शेख ताहिर ही वाज यू नो इंस्पायर्ड बाय हिज टीचिंग स्टाइल एंड हिज़ पर्सनैलिटी कहा जाता है कि शाह वली उधरी थे मक्का में वन ही सॉ द विजन ऑफ प्रॉफिट सल्लाम इन स्ट्रीम एंड वे ही वॉज गिवन द डायरेक्शन टू गो बैक टू इंडिया बिकॉज इंडिया वॉज इट राइट प्लेस टू वर्क मक्का में तो और बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे दीन के लिए लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम आहिस्ता आहिह कमज़ोर होना शुरू हो गया था तो वहाँ पर शाह वली की ज़्यादा ज़रूरत थी शाह वली केम बैक और उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया दिल्ली में मदरसा रहीमिया को अब मदरसा रहीमिया में उन्होंने अपनी इस रिफॉर्म मूवमेंट का आगाज किया तो शावली की रिफॉर्म मूवमेंट क्या थी अच्छा दैट रिफॉर्म मूवमेंट इस रिलीजियस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सूफी सेंट्स सूफी सेंट्स रिलीजियस मूवमेंट वाज एम्ड एट नॉन मुस्लिम्स दैट द मेजर पर्पस ऑफ इट वाज द कन्वर्जन

उनका फोकस हो आपको समझ लग सकती है कि शाह वली के जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत आगे तक चले इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ द रिफ़ॉर्म मूवमेंट और द फादर ऑफ़ ऑल द रिफ़ॉर्मर्स उनके बाद जितने भी रिफॉर्मर्स उनके बेटे उसके बाद uh, सैद अहमद शहीद और शाह इसमाइल शहीद जो कि uh, जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की हाजी शरीयुल्ला टी टू मीर आगे चलते हैं इवन uh, फिर एजुकेशन मूवमेंट में ये रिफ़ॉर्म मूवमेंट ने ट्रांसफ़र uh, कर लिया एजुकेशनल मूवमेंट में सर सैद अहमद ख़ान देवबंद फिर उसके बाद नदवतलमा और जमनत इस्लाम लेटर ऑन ये रिफॉर्म मूवमेंट इवन इन पाकिस्तान ये जो तबलीगी जमात वाले हैं ये जो दावत इस्लामी वाले हैं ये जो जितनी भी जिहादी ऑर्गनइजेशन हैं ये सारी की सारी दे टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेम रिफॉर्म मूवमेंट विच वटेड बाई शाह तो रिफ़ॉर्म मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो छोटा नहीं होता वो आ, सदियों तक मुहित होता है तो हम यहाँ से बात करेंगे शाह थोड़ा सा मैंने लिखा है इनके बारे में कि इनकी बर्थ हुई 1703 में ओरिजिनल नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक अर्ली एजुकेशन मदरसा रहीमिया जो कि दिल्ली में था इनके वाल साहब मौलाना अब्दुल रहीम ने बनाया था हायर एजुकेशन की मक्का में हुई जहां पर इनको एक मेंटर मिले जो शेख ताहिर थे फिर वो वापस आए हिंदुस्तान में और कहा जाता है कि नबी करीम किम को ख्वाब में देखा और वहां से उनको डायरेक्शन मिली कि हिंदुस्तान वॉज ए प्लेस फॉर हिम टू वर्क अब आते हैं सही चीज की तरफ दैट वॉज ए लिटल बैकग्राउंड शाह वली के रिफॉर्म्स अच्छा आप लोगों ने वेन ए यू टॉक अबाउट और वेन यू थिंक अबाउट शाह वली रिफॉर्म्स यू नीड टू रिमेंबर दीज फोर एम्स ऑफ हिस्स रिफॉर्म्स these four main objectives first objective around which he worked a lot throughout his life that was purification of islam and second objective was a unity amongst the muslim ranks and the third objective was political revival through awakening the spirit of jihad and the last one even he did not know that was inspiring the next generations of reformers these four aims or usp services kya ki सर सै शाहवली ने वो आपको साथ में याद रहेंगी पहले नंबर पर हम बात करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लाम मुसलमान अपने सही रास्ते से हट चुके थे मुसलमान मुसलमानों की प्रैक्टिसेस हिंदू ट्रेडिशंस के साथ करप्ट हो चुकी थी हाउ टू प्योरीफाई देयर इस्लाम हाउ टू ब्रिंग दैम बैक टू ट्रू इस्लामिक वैल्यूज़ दैट वॉज द मेजर ऑब्जेक्टिव और टास्क राइट इन फ्रंट ऑफ शाह वली उसके लिए उन्होंने कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया He translated in Persian. Persian was uh, the language of the elite class at that time. Later on his sons translated uh, Qur'an further into Urdu so that the common Muslims could understand. One thing was the translation of Qur'an into Persian and the school of Hadith he set up at madrasa e मदरसा जो है उस वक्त ऐसे मदरसे नहीं थे जैसे पाकिस्तान में छोटा सा एक मदरसा मस्जिद में खुला हुआ या एक आधा स्कूल नहीं एक आधा जो घर है नहीं ऐसे नहीं होते थे बिल्कुल ऐसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्प्रॉलिंग कैम्पसेज़ और उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे बच्चे रहते भी हैं एजुकेशन भी हासिल करते हैं तो जो बड़े बड़े मदरसा उस वक्त होते थे कुछ सप्रॉलिंग कैम्पसेस की तरह होते थे तो शाह वली ने अपना ये काम किया कि वहीं पे ही हदीस का एक स्कूल भी सेट किया यानी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा जहाँ पर हदीस पढ़ाई जा सकती हो हदीस और कुरान और ख़ास तौर पे व्हेन यू अंडरस्टैंड कुरान एंड कुरानिक मीनिंग्स तो फिर दे सर्व सीव्स सिफ्ट थ्रू प्योर इस्लामिक प्रैक्टिसेस ये छाननी बन सकते थे जहाँ से आप छान छान के ट्रू प्रैक्टिस निकालते और जो गन था जो इसमें करप्शन हो चुकी थी उसको अलहदा कर सकते थे तो कुरान और हदीस को समझने से ये आ सकता था तो कुर मजीद की ट्रांसलेशन जब तक नहीं आई थी मुसलमान यही समझते थे कि कुरान का आ, कुरान को पढ़ लिया उससे ही आ, वही सब कुछ है कुरान मजीद को आ, शादियों के ऊपर ख़वात जब लड़कियाँ रुखसत होती थी उनके ऊपर रखा जाता था बरकत के लिए कुरान मजीद को गुलाफों में चढ़ाकर ताक़ों में रखा जाता था कुरान मजीद के तावीज़ बनाए जाते थे कस्में खाई जाती थी ये सारा कुछ होता था लेकिन मेन पर्पस जिसके लिए कुरान आया था हदायत देने के लिए कि समझा जाए कि मियाँ क्या मैसेज दे रही हैं वो पता नहीं था उस वक्त के मुसलमानों को तो शाह वली ने सोचा कि पहले तो मुसलमानों को समझ लगनी चाहिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है हर मुसलमान ऐसा नहीं समझ सकता था तो ये बहुत बड़े काम है हदीस का स्कूल खोला और इसके अलावा कुरान को ट्रांसलेट किया और ये फ़र्दर ट्रांसलेशन हुई इसके ऊपर शाह शा, शा वली को तकफीरी होने के फतवे मिले कुफर किया इन्होंने कुरान की लैंग्वेज जो अरबिक थी चेंज करने की कोशिश की उस वक़्त हमारे उल्मा हमेशा ही सेंसिटिव होते हैं और फतवे लगाने के लिए तैयार रहते हैं तो प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम इस तरीके से आ, उन्होंने करने की कोशिश की किस तरीके से इस्लाम को प्योर किया जाए उसके अलावा उन्होंने किताब लिखी हुज्जतुल बालेगा हुज्जतुल बालेगा बहुत मशहूर किताब है बालेगा ये किताब में उन्होंने साइंटिफिक तौर पर रिसर्च की यानी कि उन्होंने बताया हुज्जतुल बालगाह मैं उर्दू में भी इसको लिख सक लिख देता हूँ तो उन्होंने बताया कि कौन कौन सी रीज़न्स थी फॉर द मुस्लिम डिक्लाइन और मुसलमानों को क्या करना चाहिए वापस रिवाइवल के लिए और ये पॉलिटिकल गाइड भी थी मुसलमानों के लिए कि हमें क्या लेसन सीखने चाहिए अपने पॉलिटिकल डिक्लाइन से और हजरतलबालग के एंड पर जो कंक्लूजन की वो यही थी कि मुसलमानों के डिक्लाइन की मेन रीज़न कुरान और हदीस यानी इस ट्रू इस्लामिक प्रिंसिपल से दूर जाने की वजह से है तो हम ये कह सकते हैं कि हजतुलबालगा एक किताब जो कि प्योरीफिकेशन ऑफ़ इस्लाम के लिए काम आई कुरान की ट्रांसलेशन एक और चीज़ कुरानिक ट्रांसलेशन हदीस का सकूल हदीस का सकूल ये एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो कि सर सैद अहमद ख़ान ने की टू प्योरीफाई इस्लाम यूनिटी के लिए उन्होंने क्या किया सर सैद अहमद ख़ान सॉरी शाह वली मैं हमेशा गड़मट कर देता हूँ सर सैद अहमद खान और शाहलील्ह में शाहली शाह ने खुद एक सूफ़ी आदमी थे अपने अंदर सारी सूफी ट्रेट्स वो रखते थे और सूफ़ी मंश आदमी थे लेकिन इसके साथ साथ ही वॉज कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्ट ही हैड एक्सपर्टीज इन लीगल jurisprudence कुरान और हदीस की जो लीगल चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से जानते थे तो वो आलिम भी थे और वो उस साथ में सूफ़ी भी थे अपनी जात के अंदर तो अपनी जात में ही वो एक बहुत बड़ी यूनिटी लिए बैठे थे मुसलमानों के दरमियान में ये दो फ़िरके जो हैं आलिम और सूफ़ी के दरम्या में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर करने के लिए वो एक बहुत बड़ा ब्रिज थे फिर उसके बाद एक और भी इम्पॉटेंट चीज़ है शाह वली की शाह वली ने किताबें लिखी और शियाज़ और सुन्नीस को आपस में यूनाइट करने की कोशिश की दो किताबें उनकी बहुत मशहूर हैं एक किताब का नाम है आ, आ, एक किताब का नाम है खुलफा खुल्फ़ा की खिलाफत एक किताब का नाम ये है और इसी तरीके से एक और दूसरी किताब लिखी तो इनका मकसद क्या था दे प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ फो पाइस अ वे विच वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ शिया एंड सुन्नीस आ, अगर हम देखें तो उन्होंने कोशिश की ये बताने की कि वो इंसान थे और इंसानों से ग़लतियाँ भी होती हैं लेकिन नियतन शायद ग़लतियाँ नहीं हुई हों और हमें नहीं पता किसी की नियत का तो इंसान होने के नाते अगर आप मानते हो तो गलतियाँ होती हैं और अगर आप मानते हो खुदा तो फिर तो आप लड़ सकते हो खुदाओं से गलतियाँ नहीं होती हैं बहरहाल ये खिलाफतुल्कलफ़ा और आ, इसी तरीके से किताबें लिख के उन्होंने शियाज और सुन्नीस को आपस में मिलाने ही वॉज़ वन हु आई मीन हु वॉज बॉर्न इन सुन्नी फैमिली बट ही अट्रैक्टेड द रिस्पेक्ट ऑफ द शिया कम्युनिटी एज वेल इसी वजह से जब मराठास ने दिल्ली को घेर लिया था जहाँ पर उनका मदरसा भी था और मुस्लिम रूल ख़तरे में पड़ गया था तो ही रोट लेटर्स टू डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स अराउंड टू सेव दैलीज़ मुस्लिम रूल तो दो शिया ब्रदर्स फटाफट सामने आए थे उनकी कॉल के ऊपर एक थे नजीबुल्ला नजीबुद्दौला सॉरी एक थे नजीबुद्दौला और एक थे शुजाउद्दौला ये दोनों के दोनों एक लखनऊ के और दूसरे अवध के नवाब थे ये दोनों आए और मराठा से लड़े लेकिन उनको शिकस्त नहीं दे पाए थे आप इससे पता चला सकते हैं कि शाहवली कमांडेड रिस्पेक्ट मंगसुन्नीस शियास बोथ इस क्योंकि उन्होंने यूनिटी के लिए काम किया अब उसके बाद ये जो चार स्कूल्स ऑफ़ थॉट हैं जो हनफ़ी हनफी, शाफ, हनफी मालिकी शाफई और हमली स्कूल्स ऑफ़ थॉट हैं इनके दरमियान में उन्होंने आ, यूनिटी करवाने के लिए किताब लिखी अंसाफ़ फ़ी साहेबलाफ़ अल इंसाफ, फ़ी साहेबल इतलाफ इस यानी के जो इख्तलाफ़ करने वालों वालों के दरमियान में इंसाफ़ की बात ताकि इनमें यूनिटी करवाई जा सके तो दूसरी किताब मैंने अभी बताई है खिलाफतुल्खल्फा खिलाफतल ख़लफ़ा और एक है अज़ालतुल अज़ालतुल अज़ालतल्फ़ा इनमें से कोई एक किताब याद कर सकते रख सकते हैं जो कि सुन्नी और शियास को मिलाने के लिए की आलिनसाफी साहबलाफ़ याद रख सकते हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है हजतुलबालगाह इसको तो याद करना बहुत इम्पॉटेंट है ऑलमोस्ट 54 या इसके लगभग किताबें उन्होंने लिखी अपनी किताबों के साथ उन्होंने जिहाद किया अपनी तहरीर के साथ तो आज हम हज्ब तहरीर देखते हैं जो कि सेंट्रलेशन स्टेट से एक 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 रिफॉर्म रिफॉर्मेशन uh, reform, uh, की मूवमेंट जो आई थी उन्होंने तहरीर के साथ साथ एक इनकलाब भरपा करने की कोशिश की पाकिस्तान में, में मौजूद है हम कह सकते हैं कि दे आल्सो टुक द इंस्परेशन फ्राम शाह वली एंड सच काइंड ऑफ पीपल इवन बिफोर शाह वली हज़रत अहमद सरहिंदी साहब जिनको uh, uh, यूनो you know, मुजद सानी के तौर पे बोला जाता है उन्होंने भी ले, लेटर्स लिखे और रिफॉर्म करने की कोशिश की थी तो ये बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं जहाँ से ये इंस्पिरेशन ली गई तो इन्होंने कलम के साथ भी जिहाद किया इन्होंने सोट के साथ जिहाद करने की तलकिन भी की इन्होंने आ, इवन प्योरीफाई भी किया मुसलमानों को कि वो दोबारा से सही इस्लाम के ऊपर आ जाएँ तो यूनिटी के लिए उन्होंने शिया मुस्लिम को शिया सुन्नीस को मिलाने की कोशिश की यूनिटी के लिए उन्होंने चार स्कूल्स ऑफ थॉट को मिलाने की कोशिश की यूनिटी के लिए उन्होंने ख़ुद भी सूफ़ी थे और ज्यूरस भी थे लीगल अथॉरिटी रखते थे इस्लाम के प्रिंसिपल्स उपर, तो खुद के ऊपर तो ख़ुद अपनी ज़ात में उलम और सूफ़ी के दरम्या में एक तरह से यूनाइटेड uh, उन्होंने एक एग्जाम्पल छोड़ी नेक्स्ट हम आते हैं अगला अब कितने हमने लिख लिए मेन ऑब्जेक्टिव उनके कितने थे एक का प्योरीफिकेशन ऑफ इस्लाम इस्लाम को प्योरीफाई करने की कोशिश की दूसरा यूनिटी पैदा करने की कोशिश की मुसलमानों में क्योंकि यूनिटी के बगैर वो किसी तरीके से मुसलमानों को खड़ा नहीं कर सकते थे आगे पोलिटिकल रिवाइवल दैट वॉज अनदर पर्पज पोलिटिकल रिवाइवल जैसे कि पॉलिटिकल रिवाइवल नहीं हो सकता था मुसलमानों का दैट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर द मुस्लिम्स टू रिवाइव पॉलिटिकली अनलेस दे क्रिएटेड यूनिटी अमंगस देर रैंक्स सर सही शाह अली रोट द लेटर्स टू डिफरेंट रूलर्स एंड नवाब्स आस्किंग देम टू प्रिपेयर द आर्मीज अलॉन्ग वेरी मॉडर्न लाइन्स क्रिएट डिसिप्लिन अमंग दैम डू जस्टिसिस सोशल जस्टिसस अमंग पॉपुलेशन इन सब्जेक्ट सो दैट दे बाय दी रूलर्स एट द टाइम ऑफ वॉर तो ये उन्होंने लेटर्स लिखे और मशवरा दिया उनको कि आप लोग अपने अंदर यूनिटी पैदा करें और अपनी राया को अपने साथ मिलाएं और ऐसी ऐसी उन्होंने बातें समझाई जिससे उस रूलर का सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो रहा होता था कि आपने डिफेंस लाइन को कैसे मजबूत रखना है नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ और तमाम रूलर्स को उन्होंने कहा कि आपका एक दुश्मन है और वो नॉन मुस्लिम्स हैं तो कॉमन एनिमी का एक कॉन्सेप्ट पैदा करने की कोशिश की ही ट्राई टू क्रिएट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एनिमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉमन एनिमी और कॉमन थ्रेट ही वॉन्टेड द यूनिटी अमंगस्ट द रैंक्स ऑफ ऑल द सेक्ट्स ऑफ इस्लाम उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे को दुश्मन नहीं हो आपका दुश्मन कॉमन है और वो है नॉन मुस्लिम्स उनके खिलाफ आप अपने रैंक्स को मिला लें अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस के थेरिस्ट्स बताती हैं कॉमन थ्रेट को क्रिएट करना आ, किस तरीके से यूरोप को यूनाइट किया गया इन ए कॉमन थ्रेट अगेंस्ट यू किस तरीके से यूएसएसआर के टूटने के बाद यूरोप और वेस्ट को यूनाइट किया गया इन द नेम ऑफ कॉमन थ्रेट इस्लाम या इस्लामिक मिलिटेंसी या इस्लामिक जिहाद तो कॉमन थ्रेट को क्रिएट करना एक इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरी है इवन हैंस मॉगन था से भी कितने सा सौ साल पहले शावलील्ला ने ये कॉन्सेप्ट दिया अपने मुस्लिम रूलर्स को लेटर्स लिख के बड़े फोर्सफुल बड़े आगोमेंटेटिव बड़े पावफुल लेटर्स uh, उनको लिख के उनको समझाया कि किस तरीके से उनकी बचत हो सकती है उनकी उनकी स्टेट बच सकती है और कैसे वो कंसोलिडेट कर सकते हैं उनके लेटर्स नंबर एक नंबर टू दे ही ट्राई टू क्रिएट कॉमन एनिमी फिन एंड नंबर थ्री पोलिटिकल रिवाइवल के लिए ही ट्राई टू इनकलकेट स्पिरिट ऑफ़ जिहाद अमंगस्ट ऑल इवन रूलर्स को खत में कहा कि अपने मुसलमानों के अंदर जिहाद की स्पिरिट को कायम करो और वो आपकी बात उस वक़्त सुनेंगे जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही होगी सोशल जस्टिस उनके दरमियान में होगा तो ये तीन चीज़ें उन्होंने की नंबर एक राइट रोट लेटर्स टू द रूलर्स टू कंसॉलिडेट दियर पावर ऑन दियर स्टेट्स नंबर टू ट्राई टू कन्विंस दम विद वि अगेंस्ट कॉमन एनीमी नंबर थ्री सोशल जस्टिस अमंग पीपल सो दैट दे कु द रूलर्स एट द टाइम ऑफ वॉर एंड नंबर फोर वैनो दिल्ली वॉज थ्रेटन बाई मराठास मराठास एक वक्त ऐसा था कि वो दैली के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने दिल्ली को घेरे में ले लिया जब मैंने आपको बताया दे दे पुट सीच ऑन दैली एंड मैंने आपको बताया था कि शाह वली ने डिफरेंट रूलर्स के नाम ख़त लिखा तो पास वाले जो रूलर्स अवध और लखनऊ के वो फिर उन्होंने लब uh, बैक कही और फाइट uh, करने की कोशिश की बट दे कुड़ नॉट डिफीट मराठास देन इट वॉज द पावर ऑफ शाह दैट ही रोट लेटर टू दी रूलर ऑफ पर्शा परशा जो है इस वक्त का ये था जिसमें ईरान और अफगानिस्तान दोनों शामिल हैं परशा के रूलर अहमद शाह अब्दाली को कॉल दी एंड अहमद शाह अब्दाली केम एंड राउटेड मराठास इन दर्ड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पानी में उन्होंने मराठास को ख़त्म कर दिया और ये कहा जाता है कि दैट वॉज ये जो आ, ये जो मरठास के ख़िलाफ़ लड़ाई थी उसके बाद मराठाज़ कभी भी उठ नहीं सके उनकी पावर फिर उसके बाद वैसी नहीं हो सकी अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में ये पानी पत की बैटल लड़ी मराठास के ख़िलाफ़ और दोबारा से जो मुग़ल रूलर है उसको बुलाया और उसको समझाया नसीहत करके वो वापस चले गए उसके एक साल के बाद सत्रह में शाह वली फोत हो गए कहा जाता है कि हैड ही नॉट डाइड ही वुड हैव आस्ट अहमद शाह अब्दली टू स्टेवर दिस इज जस्ट यू से एनालिस्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके नाउ हमने देखा कि ये तीन चीज़ें उनके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल थी तो आगे आती हैं इंस्पायरिंग दैक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफ़ॉर्मर्स ये शाह वली का ऐसा काम था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट था शाह वली ने यहाँ मदरसा रहीमिया में दिल्ली में अपने स्टूडेंट्स को डिसाइपल्स को ट्रेन किया वो सारे हिंदुस्तान में फैल गए वो शाह वली के मैसेज को लेकर तो सब जगह पे पहुँचे शाह वली की फौत होने के बाद उनके बेटे उनके काम को आगे बढ़ाते रहे और उनके बारे में ब्रिटिश यही कहती हैं कि दे वी ग्रेट मोहम्मदन डॉक्टर्स ऑफ दैट टाइम उनका एक बेटा जो कि आलम नहीं था आ, उसका आगे एक बेटा शाह इस्माइल शहीद शाह इस्माइल शहीद आ, अपने एक और दोस्त अहमद अहमद सैद अहमद शहीद के साथ मिलकर जिहाद मूवमेंट का आगाज़ किया तो इसके आ, इसको कहते हैं कि उनके इम्पैक्ट बहुत रस थे तो ही वॉज़ कंसिडर्ड टू बी द फ़ादर ऑफ ऑल दैट रिफॉर्म मूमेंट शाह वली ट्रेंड सेटर फॉर दी वजी फोर रनर ऑफ़ दैट मूवमेंट जो बाला बालाकोट की लड़ाई है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है पानीपत की लड़ाई की सो द बैटल ऑफ पानीपत वॉज इन बालाकोट तो इस तरीके से इनकी तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स याद रहें तो उसके नीचे सर्विसेज भी याद रहेंगी मेन ऑब्जेक्टिव्स में, में प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम फिर यूनिटी फिर पोलिटिकल रिवाइवल or Piruskebat inspiring the next generations of reformers. Thank you very much for this session.